हेलो एवरीवन, ठंड के मौसम, कोल्ड, कॉफ, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज, कोल्ड वेव्स ले रहे हैं हम, ठंडी हवा जा रही है, बट अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो फाइव मेजर थिंग्स वी कैन इंक्लूड इन आवर डाइट एंड मेक अ टू इम्पॉर्टेंट होम मेड रेमेडीज। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं टू इम्पॉर्टेंट रेमेडीज आपको बताऊंगी जिसको आप घर पे प्रिपेयर करके वेरी इजली प्रिपेयर करके आप अपने आप को कॉफ, कोल्ड, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इंग्रेडिएंट्स क्या है। वो है हमारी हनी। हनी इज़ वन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। इट कंटेंट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जिससे हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। सेकेंड वन इज जिंजर। जिंजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंटेंट द गुड अमाउंट ऑफ जिंजरऑल। जिंजरऑल हमारे बॉडी में किस टाइप की इन्फ्लामेशन को कम करती है, सोर्स में, गले में अगर खराश आ रही है, इचिंग हो रही है, तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। टर्मरिक इज़ वेरी गुड। हमारी बॉडी में किसी टाइप के इन्फेक्शंस हो रहे हैं या आपके हमारी बॉडी में किसी टाइप का इन्फ्लामेशंस हो रहा है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बॉडी के इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। एंड टर्मरिक कंटेन करती है हमारे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टर्मरिक कंटेन करती है क्यूक्यूमिन, जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। योर फोर्थ वन इज़ तुलसी। तुलसी के पत्ते लेने हैं, तुलसी एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। तो तुलसी में हमारी जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड द फिफ्थ वन इज़ लास्ट इन द पेपर। पेपर कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ पेप्रीन। तो इन सारे मिक्सचर को हम टू रेमेडीज में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट वन इज़ दैट कि हमें क्या करना है, 1.5 कप वाटर लेना है, उसे बॉयल करना है, देन एड अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ क्रश जिंजर। जिंजर को अच्छे से क्रश करके उस बॉइलिंग वाटर में डालना है, देन ऐड करना हमें तुलसी। 2 to 3 minutes तक इसे अच्छे से बॉइल करके देन ऐड टर्मरिक, 2 to 3 pinch ऑफ टर्मरिक एंड पेपर पाउडर। देन जस्ट सीव इट, छन्नी से छानना है, एंड मिक्स हनी 1/2 teaspoon। इसको अच्छे से मिक्स करके अगर इस वाटर को दिन में 2 से 3 बार हम इस्तेमाल करें तो किसी टाइप के सोर थ्रोट्स, थ्रोट इन्फेक्शन या कॉफ, कोल्ड, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हमें नहीं होंगी। और अभी जो वायरल चल रहे हैं, फ्लू हैं, जो कोरोना के भी चांसेस बढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा, वो वापस आ रहा है, इन सारी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करके हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। And the second one remedies is this is really very easy. We can make it for kids. हम अपने diet में पूरे daily routine life में include करके बच्चों के लिए और अपने बड़ों के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें खांसी, जुकाम, गले में खिचखिच कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हो भी गए हैं तो इसका इस्तेमाल करके, इस remedies का इस्तेमाल करके हम अपने आप को इन चीज़ों से free कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जिंजर एक्सट्रैक्ट निकालना है। जिंजर के एक्सट्रैक्ट निकालेंगे 1 teaspoon जिंजर एक्सट्रैक्ट, 1 teaspoon तुलसी के पत्ते का रस एक्सट्रैक्ट, इसके भी निकालने हैं। मिक्स इट टुगेदर वेरी वेल, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। 1 teaspoon हनी, तीनों के एक्सट्रैक्ट को, जिंजर, हनी एंड तुलसी के एक्सट्रैक्ट को हमने इक्वल क्वान्टिटी में मिक्स करके 2 pinch टर्मरिक एंड 2 pinch पेपर पाउडर ऐड करके बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके हमने इसकी एक छोटी सी सिरप तैयार की और इस सिरप को हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे हमें किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशंस नहीं होगा, सोर थ्रोट्स नहीं होगे, बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगी। जो अभी कोल्ड के वजह से फीवर आ रहे हैं, कोल्ड के वजह से सोर थ्रोट्स हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अप्लाई दिस टू रेमेडीज इन योर डेली रूटीन लाइफ एंड यू कैन फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ विंटर इन्फेक्शन। थैंक यू।